नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। नीतीश कुमार के फटकार के बाद पुलिस महकमा एक्टिव दिख रहा है। सोमवार को नीतीश कुमार ने पटना में एक हाई लेवल मीटिंग की और पुलिस अधिकारियों को हर हालत में अपराध रोकने के निर्देश दिए। वहीं आज कानून व्यवस्था को लेकर पटना में ADG लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में सूबे के सभी आलाधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले पटना जिले में क्राइम के ग्राफ बढ़ते ग्राफ को काबू में करने के लिए DIG शालीन ने एक अहम बैठक की। बैठक में पटना SSP समेत सभी आलाधिकारी मौजूद थे। DIG ने साफ साफ कहा कि किसी भी कीमत पर आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के उपाय किए जाए। इस बैठक में देरी से आने वाले दो पुलिस अधिकारियों को DIG शालीन ने मीटिंग से बाहर भी कर दिया। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस पूरी तरह पस्त दिख रही है। दरभंगा में दो इंजीनियर्स की हत्या के बाद दहशत है और चार दिनों बाद भी पुलिस अभी कोई ठोस खुलासा नहीं कर पाई है। तो हाजीपुर में भी एक इंजीनियर की हत्या हो गई। वहीं मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने गोली मारकर गल्ला व्यवसायी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने छापेमारी के लिए गई पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। इधर नालंदा में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। दुकानदार को गंभीर हालत में PMCH में भर्ती कराया गया है। दरभंगा में दो इंजीनियरों की हत्या के चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस कोई ठोस खुलासा नहीं कर पाई है। हालांकि SIT की टीम ने शिवहर से चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों में एक मुकेश पाठक का शार्प शूटर भी शामिल है। इससे पहले STF और दरभंगा पुलिस ने बहेड़ी की प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी के देवर पिंटू लाल देव को गिरफ्तार किया था। प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी के पति संजय लाल देव की तलाश भी पुलिस कर रही है। इधर पिंटू ने आरोपों से इनकार किया है। लाइडर की भूमिका निभाने वाले पिंटू लाल देव जो घटनास्थल के ही आसपास के गांव के शिवराम गांव के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। घटनास्थल पर पिंटू लाल देव उपस्थित था। मुकेश पाठक के साथ उसका उठना बैठना था। सर, अगर लाइनर है तो पुलिस हमको जो दंड देना चाहेगी वो मुझे हंस के कबूल है। अगर वो मुझे थोड़ा सा दिखा दे कि मैं हूँ, कौन सा बात किया, उसका सबूत है उनके पास, उसका सबूत है तो सर मैं अपना गर्दन काट के उसके चरण में रख दूंगा। दरभंगा में दो इंजीनियर्स की हत्या मामले का खुलासा अभी तक पुलिस कर भी नहीं पाई है कि हाजीपुर में भी एक इंजीनियर की हत्या हो गई। दरअसल सोमवार की सुबह वैशाली जिले के बराटी थाना के चकविवी गांव के पास युवक का शव मिला। युवक की गला रेतकर हत्या की गई थी। ग्रामीणों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू तो की, लेकिन शव का नाम अंकित झा निकला। अंकित रिलायंस टेलीकॉम कंपनी में उत्तर बिहार के क्वालिटी इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के अखाड़ा घाट का रहने वाला था। मृतक के बड़े भाई के मुताबिक अंकित रविवार की रात को घर से पटना ऑफिस के लिए निकला था। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काशीपुर चकबीबी में लाश मिला है, उसके गर्दन कटा हुआ है, पेट उट में भी दाग है घाव का, वही उठा के लाए। आदमी मुजफ्फरपुर का है, अहियापुर थाना का है। ये जो है ना निकला, बोले कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि सो कंपनी का गाड़ी बाहर खड़ा है और प्राइवेट नौकरी है तो जाना ही पड़ेगा। वो अक्सर जाते आते थे, कंपनी में काम करते थे। उसके बाद फिर सुबह से कॉल कर रहे हैं, दोनों नंबर स्विच ऑफ।
सोमवार को मुजफ्फरपुर में भी अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने पहले एक व्यवसायी की हत्या की और फिर हत्या के कुछ घंटों बाद ही पुलिस जीप पर बम से हमला किया। बताया जाता है कि अहियापुर थाने के बड़ा जगन्नाथ गांव के गल्ला व्यवसायी संतोष शाह दुकान बंद कर अपने घर के लिए निकले थे। रास्ते में दो अपराधियों ने उसे गोली मार दी। परिजन संतोष को लेकर निजी नर्सिंग होम पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने संतोष को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद नाराज लोगों ने मौके पर पहुंचकर थानाध्यक्ष चितरंजन ठाकुर को खदेड़ डाला। बाद में डीएसपी आशीष आनंद ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया, लेकिन पुलिस के दावों का दम निकलते हुए अपराधियों ने अहियापुर थाना से चंद कदमों की पुलिस जीप पर बम से हमला कर दिया। हमले में थाने में तैनात होमगार्ड के दो जवान घायल हो गए। हालांकि पुलिस अधिकारी हमले की बात को खारिज कर रहे हैं। शाम में लगभग 7 बजे के आसपास एक संतोष जी के नामक गल्ला व्यवसाय की हत्या की गई है और हम लोग उसके तहकीकात में लगे हुए मतलब छापामारी के लिए निकल रहा और विश्वास है कि जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे। अपराधियों की चिन्ह के लिए कुछ गुप्त सूचना मिली है जिस पर मैं खुलाना कर रहा हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात नालंदा की करते हैं। नालंदा के कल्याणपुर मोहल्ले में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। दुकानदार को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पतुआना निवासी बुल्लू बिहार शरीफ से अपने घर लौट रहा था, तभी कल्याणपुर के पास बदमाशों ने गोली मार दी। परिजनों ने वार्ड पार्षद और उसके भाई पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। बिहार में बढ़ते अपराध ने एक बार फिर पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी है। राज्य की जनता के मन में दहशत भरने लगी है और सुशासन बाबू के नाम से मशहूर सीएम नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। तरी नहीं है, आंकड़े वो नहीं प्रमाणित करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, ठीक है, वो चिंता का विषय जरूर है। तो निश्चित तौर पर संगठित अपराध बिहार पुलिस के आज सबसे बड़ी चुनौती है। ये बिहार के सुशासन बाबू के आला पुलिस अफसर हैं, जो दरभंगा में दो इंजीनियर समेत ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों के बाद जंगलराज रिटर्न्स के शोर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव का साथ लेकर सत्ता में आए नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, अब वही फन उठाए खड़ी है। कानून व्यवस्था के फ्रंट पर नीतीश कुमार के सामने प्रशासनिक और राजनीतिक प्रश्न खड़ा हुआ है, यानी उन्हें न सिर्फ क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करनी है बल्कि इस कार्रवाई का एहसास भी कराना है। लिहाजा जब वो राज्य के पुलिस अफसरों से मिले तो नीतीश कुमार ने संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही। संगठित अपराध के खिलाफ संसाधनों की कमी नहीं होने देने का भरोसा दिलाया। संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही और जेल अधिकारियों से तकनीक की मदद से निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। एसटीएफ को और मजबूत करने और क्राइम कंट्रोल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को दुरुस्त करने की बात कही और इस सिलसिले में पुलिस विभाग को जल्द से जल्द अपना प्रस्ताव सरकार के सामने रखने को कहा। नीतीश को बिहार की सत्ता का चौथा अनुभव है और अभी नई पारी में 1.5 महीने भी नहीं बीते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सरकार की साख पर ऐसे सवाल पहले नहीं खड़े हुए, लिहाजा जंगलराज की वापसी के राजनीतिक सवालों से पार पाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। कुल मिलाकर 3 दिनों के भीतर 8 हत्याओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। इस बीच आज राज्य के डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में विशेष बैठक बुलाई है, जिसमें एडीजी और आईजी रैंक के अफसर हिस्सा लेंगे। बिहार की चुनौती वही है, बिहार में जंगलराज का टैग न चस्पा होने देना। हाजीपुर से विकास आनंद के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। रुकते दूसरी खबरों की ओर, स्थानीय नीति की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच ने आज झारखंड बंद बुलाया है। इस दौरान बंद समर्थकों ने रांची में जमकर उत्पात मचाया और कई जगहों पर आगजनी भी की।
जी पुरवैया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्थानीय नीति को लेकर आज झारखंड बंद बुलाया गया है, उसी की तस्वीरें ये देखिए किस तरह से वहां पर हंगामा किया जा रहा है। देखिए सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है, नारेबाजी की जा रही है, अगजनी की जा रही है जगह जगह पर। तो आज स्थानीय नीति को लेकर झारखंड बंद बुलाया गया है, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जी पुरवैया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, जगह जगह आगजनी की तस्वीर सामने आ रही है, आगजनी की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। कई जगहों से आगजनी की तस्वीरें सामने आई है। स्थानीय नीति की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच ने ये बंद बुलाया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जी पुरवैया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आज झारखंड बंद बुलाया गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता अविनाश। अविनाश जानना चाहेंगे कि कई जगहों से आगजनी की तस्वीरें भी आ रही है, आज झारखंड बंद बुलाया गया है। जरूर ललिता, पहले से ही पूर्व घोषित कार्यक्रम था और आदिवासी मूलवासी संगठन से जुड़े हुए जितने भी तमाम जो समर्थक हैं उनके, वो अब सड़क पर उतर गए हैं और आगजनी भी शुरू हो गई है। जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था कि बंद को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में खासकर जो यूथ हैं वो सड़क पर उतरेंगे, और वैसा ही रांची के लोवाडी इलाके में भी देखने को मिला है। बीच सड़क पर टायर जलाकर पूरी सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया है, आवागमन पूरी तरह से बाधित है। कई ऐसे और भी रांची के क्षेत्र हैं जहां से इस तरह की सूचना आ रही है और इस तरह की आगे भी होने की संभावना है। तो ये आप कह सकते हैं कि स्थानीय नीति को लेकर जिस तरह से पहले भी झारखंड में कई बार इस तरह के तस्वीरें देखने को मिली है, या आप वो सड़क पर तोड़फोड़ की घटना हो, आगजनी की घटना हो, या आम जनता के साथ भी उलझने का मामला हो, तो ये एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। और लगातार जो बंद समर्थक हैं वो सरकार के इस तरह की नीति से काफी नाराज हैं। 15 सालों तक जिस स्थानीय नीति को लेकर झारखंड में राजनीति हुई, उसको लेकर आज भी ये संभावना बनी हुई है कि आखिर स्थानीय नीति के दायरे में कौन लोग आएंगे और कौन लोग नहीं आएंगे। तो ये एक मांग उठ रही है, फिर से आज झारखंड बंद है और दिन भर ये सिलसिला चलेगा। बंद समर्थक सड़क पर उतर के विरोध भी करेंगे, हालांकि पूरे रांची में अगर आप देखें तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को भी सड़क पर उतारा गया है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कितना गंभीर हो पाती है। बिल्कुल अविनाश, इन जानकारी के लिए शुक्रिया करना चाहेंगे। तो स्थानीय नीति की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच ने आज झारखंड बंद बुलाया है। जी पुरवैया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, बंद समर्थकों ने जगह जगह उत्पाद मचाया है, कई जगहों पर आगजनी भी की गई है। यह आगजनी की तस्वीरें जी पुरवैया पर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं, बंद समर्थकों का हंगामा भी देख सकते हैं आप। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है पूरे रांची में चौकस है। लातेहार से अगवा सीसीएल कर्मचारी दिनेश उरांव की सकुशल रिहाई हो गई है। सीसीएल कर्मचारी दिनेश उरांव की 22 दिसंबर को अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। अपराधियों ने अगवा सीसीएल कर्मचारी के परिजनों से 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की थी। रांची में एक युवक ने रिम्स की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने एक लड़की पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना सोमवार के शाम की है। लड़की के मां के मुताबिक उसके मोबाइल पर अमित मिश्रा नामक युवक ने कॉल किया और कहा कि उनकी बेटी का बॉडी पिठोरिया में पड़ा है, आकर ले जाए। हालांकि उसके घर वाले जब पहुंचे तो लड़की अस्पताल में भर्ती थी। लड़की ने होश में आने तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब होश में आई उसके बाद लड़की ने बताया कि अमित मिश्रा नाम के युवक ने पहले अपनी कलाई की नस काट ली और फिर बाद में उस पर जानलेवा हमला भी किया। फिर उसी लड़के ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जिस वक्त लड़की का इलाज चल रहा था, लड़के ने अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पहुंचाया सेवा सदन, जब हम पहुंचे हैं तो वो लड़की का कोई होश उस नहीं है, गला में पट्टी बंधा हुआ, हम खून उनका ये देख रहे हैं। और हमको इशारा में उसी वक्त कान में बता दी कि इसको छोड़ना मत, इसको साथ में मत भेजना, यही हमको गला काट दिया है। अच्छा। यही गला मेरा रहता है पिठोरिया में, इतना समझ, थोड़ा थोड़ा बात से बोली, हम समझ गए कि यही काट दिया मेरा गला। कटिहार से खबर मिल रही है, महिला ने पति और सौतन की हत्या कर दी। तो एक महिला ने अपने पति और अपनी सौतन की हत्या कर दी है। खबर ये मिल पा रही है कि सौतेले बेटे को भी चाकू मारी है महिला ने,
और बेटे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। परिजनों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है, मिलकर के वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। तो मौके पर पुलिस पहुंच गई है, आपको बताएं कि खबर कटिहार से बता रहे हैं, जहां पर महिला ने पति और सौतन की हत्या कर दी है। साथ ही साथ खबर यह है कि सौतेले बेटे को भी चाकू मारी है। बेटे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। जानकारी ये मिल पा रही है कि परिजनों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तो पुलिस मौके पर पहुंच गई है। खबर आपको बता रहे हैं कटिहार से, जहां एक महिला ने अपने पति और सौतन की हत्या कर दी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन। राजीव, जानना चाहेंगे क्या है, हम जानकारी हाथ लग पा रही है, एक महिला ने पति, अपनी सौतन और अपने सौतेले बेटे को चाकू मारी। देखिए, धूम टोला बारसोई की घटना है, जहां घरेलू विवाद चल रहा था। दूसरी पत्नी जो अपनी सौतन को चाकू से और अपने पति को और अपने सौतेले पुत्र को मारा है, जहां पुत्र की हालत गंभीर है, बारसोई अनुमंडल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि बीती रात दूसरी पत्नी अपने भाई के साथ बाइक से आई थी, घर में विवाद भी चल रहा था, घर के कमरे को लेकर विवाद चल रहा था। दूसरी पत्नी दूसरे कमरे की मांग कर रही थी, जो पहली पत्नी उसका विरोध कर रही थी और बच्चे भी विरोध कर रहे थे। सुबह में घटना को अंजाम दिया गया है, मौके पर पुलिस पहुंची है। दूसरी पत्नी और उसका भाई फरार बताया जा रहा है, जबकि बाइक बरामद हुई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। तो कटिहार से खबर है, जहां महिला ने पति और अपनी सौतन की हत्या कर दी है। साथ ही साथ खबर यह है कि सौतेले बेटे को चाकू भी मारी है। बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है और अपने परिजनों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है महिला ने। बिहार में 24 डॉक्टरों ने सरकार से वीआरएस की मांग की है, जिसे स्वास्थ्य विभाग सिरे से खारिज कर चुकी है। हालांकि डॉक्टरों की इस मांग के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वीआरएस के लिए आवेदन का सिलसिला जून 2015 से शुरू हुआ, जो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भी लगातार जारी है। बिहार में स्वास्थ्य महकमा इन दिनों व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद में जुटा है, लेकिन इस बीच राज्य के 24 डॉक्टरों ने वीआरएस की डिमांड कर विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि विभाग ने साफ कर दिया है कि वीआरएस देना मुमकिन नहीं है। अभी तो हम उस स्थिति में नहीं है, डॉक्टरों की कमी हमारे पास उस स्थिति में नहीं है। डॉक्टरों के वीआरएस की मांग का सच हमने विभाग के दूसरे अधिकारियों से भी जांचने की कोशिश की, लेकिन सामने आकर कोई भी इस हकीकत की पुष्टि करता नहीं नजर आया। 21 डॉक्टर है, सूची मिल सकती है क्या? ना, सूची नहीं मिलेगा, सब फाइल कुछ बढ़ा हुआ है, कुछ एनओसी के लिए गया हुआ है। तो ये लोग डॉक्टर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है? सर, मेडिकल अफसर है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कैसे रह जाएगा? कोई मेडिकल अफसर हो, मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल अफसर होंगे, कोई CMO होंगे, कोई CS होंगे, कोई यही सब देते हैं VRS। अच्छा, कितने जिलों से है सर? अभी इतना पता नहीं है। अभी VRS मांगने का कारण ज्यादातर डॉक्टरों ने अपने खराब स्वास्थ्य को बताया है, लेकिन वजह की तलाश फिर भी की जा रही है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो दिल्ली के एक होटल में मैनेजर का काम करने गए धनबाद के दीपक ने चेक गणराज्य की महिला से शादी रचा ली। 3 साल पहले दीपक और मोनिका में प्यार हुआ और आखिरकार दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इस दौरान वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। झारखंड में नए साल के जश्न में मौसम का तेवर बाधक बन सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नए साल पर आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं तापमान भी 7 से 8 डिग्री के आसपास होगा। मौसम विभाग की माने तो इस बीच कंपकपाने वाली ठंड लोग महसूस करेंगे। 26 दिसंबर को सबसे कम 5.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जबकि आने वाले दिनों में इस तरह की ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
साल 2015 की विदाई और नए साल के आगमन को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह है। हर कोई नए साल को सेलिब्रेट करने की प्लानिंग में जुटा है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो रांची का बिरसा जैविक उद्यान आपका इंतजार कर रहा है। धूप सेकते शेर को देखना हो या फिर मस्त चाल में चलते गजराज को करीब से देखना हो, कहीं और ना जाएं। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में बस चंद घंटे गुजार लें। हाँ, मैं काफ़ी जूज घूमी हूँ इंडिया भर में, लेकिन ये जू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एनिमल्स जो हैं बहुत सारे हैं, वैरायटी बहुत है। इस जैविक उद्यान में सफ़ेद मृग चौकड़े लगाते दिख जाएंगे। कुदरती माहौल में ये तमाम पशु इस उद्यान के श्रृंगार हैं। सम्राट है, वो बहुत बड़ा है। वो हम जब आए यहाँ पर तो वो हम सबको सलाम किया, फूंक भी मारा हम लोग को, वो नया साल का शुभकामना भी दिया। बिरसा जैविक उद्यान कई मायनों में अलग है क्योंकि इसे बसाया ही गया है प्राकृतिक परिवेश में। भारत वर्ष में जितने चिड़ियाघर है उससे चिड़ियाघर में ये भगवान बिरसा जैविक उद्यान अलग इसीलिए करता है क्योंकि ये चिड़ियाघर जो है एक प्राकृतिक साल वन में अवस्थित है। लगभग 81 हेक्टेयर साल वन जो करीब बहुत घना है उसी वन में ही चिड़ियाघर अवस्थित है। मौसम भी है और घूमने का दस्तूर भी, तो फिर क्यों ना इस नज़ारे को नज़रों में कैद कर लिया जाए। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ओर से मिस बिहार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित मिस बिहार 2015 का फाइनल शो में 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजन में जहां प्रतिभागियों ने कैटवॉक किया वहीं नृत्य और संगीत का भी आयोजन किया गया था। देखिए इस आयोजन की एक झलक।